जी आज मतदान किया है पूरे परिवार के संग में, अपने अपने पैतृक गांव में मढ़ौली में आकर के अपना मतदान किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जिस तरह से पिछली बार 2017 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना पूरा समर्थन दिया था, इस बार भी जनता मन बना चुकी है एक पूर्ण बहुमत की सरकार को हम सब लोगों को चुन करके लाने के लिए, क्योंकि जनता ने देखा है कि 5 वर्ष तक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जन के बीच में रह करके, चाहे वो कोविड का पीरियड हो या उससे पहले की बात हो, हर एक योजना के माध्यम से कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बिना किसी भ्रष्टाचार के आज पूर्ण रूप से आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, हर एक व्यक्ति देख रहा है समाज के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है, तो हर एक व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार चुनने के लिए तैयार है। क्या मानते हैं बाबूजी, नहीं है तो कितना फर्क पड़ेगा? बाबूजी अवश्य हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन बाबूजी की यादें हम सबके साथ हैं और बाबूजी के बनाए हुए पद चिन्हों पर मेरा प्रयास रहता है कि हम उसी तरह से आगे बढ़ चलें, आगे बढ़ सकें, और जिस तरह से बाबूजी अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते थे तो मैं भी उसी तरह से अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रह करके हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए, विकास के लिए उनकी सेवा कर सकूँ। गठबंधन का कितना असर रहेगा? गठबंधन का कोई असर नहीं है, गठबंधन से जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है, कभी जातियों पर काम नहीं करता है, वोट बैंक के लिए काम नहीं करता है, और जितना आप देख रहे हैं गठबंधन केवल और केवल आज एक वोट बैंक को जोड़ने के लिए, जातियों का कॉम्बिनेशन बना करके सरकार बनाने के लिए केवल इसलिए बनाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष तक कभी किसी जाति विशेष के लिए कार्य नहीं किया, किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं किया, हर एक व्यक्ति को जोड़ के चलने का काम किया है, तो आज जनता देखेगी कौन देश हित के लिए कार्य करता है और कौन केवल और केवल अपने खुद के हित के लिए देख करके कार्य करता है, तो हम सब कहीं ना कहीं इसको जनता के ऊपर छोड़ते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसके नतीजे आएंगे।